नमस्कार दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू मेक स्प्रिंग रोल्स, जिसे हम बनाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ दो कॉमन किचन इंग्रेडिएंट के साथ, जो कि है ब्रेड और मैगी, जो कि बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट होती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग रेसिपी विद अ ग्लास ऑफ वाटर। जब पानी गर्म हो जाए तब इसके अंदर हम दो पैकेट मैगी डालकर इसे हाफ कुक कर लेंगे। हाफ कुक होने के बाद इसे स्ट्रेनर में छान लेंगे और ठंडे पानी में डालकर इसे अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे और मैगी को फैलाकर रख देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। स्प्रिंग रोल की स्टफिंग के लिए मैंने लिया है हाफ शिमला मिर्च, एक छोटा प्याज और 8-10 मटर के दाने, 2-4 लहसुन और 2 हरी मिर्च। अब हम एक पैन लेंगे, इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद डालेंगे 2-3 बारीक कटा हुआ लहसुन, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ और आधी कटी हुई शिमला मिर्च। इसको डालकर हम थोड़ा सा भून लेंगे। हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, हम सब्जियों को थोड़ा क्रंची ही रखेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे मटर के दाने और इसे हम हल्का सा भून लेंगे। जब ये हल्का सा भून जाए तब इसके अंदर हम डालेंगे हाफ बॉईल किया हुआ मैगी और ऊपर से डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल, ताकि मैगी आपस में चिपके नहीं, खिली खिली हमारी मैगी बने। अब इसके अंदर डालेंगे अपने स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और मैगी मसाला। मैगी मसाला डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए कुक करेंगे। हमारी मैगी की स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम ब्रेड लेंगे और उसके चारों साइड के कोने को काट लेंगे। कॉर्नर को कट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाइंडिंग करने में प्रॉब्लम होती है। कॉर्नर कट करने के बाद हम बेलन की सहायता से इसे पतला रोटी की तरह बेल लेंगे। अब एक कटोरी में पानी लेंगे और पानी में ब्रेड को डिप करके अच्छी तरीके से भिगो लेंगे। भिगोने के बाद हम अपनी हथेली की सहायता से एक्स्ट्रा पानी को निचोड़ लेंगे। अब इसके अंदर हम मैगी की स्टफिंग करेंगे और इसे उंगलियों की सहायता से बंद करते हुए इसका हम रोल तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हम सभी ब्रेड्स का रोल तैयार कर लेंगे। अब एक पैन में 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसके अंदर हम एक एक करके स्प्रिंग रोल डालेंगे और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब एक साइड से हल्का ब्राउन हो जाए तब हम इसे दूसरी तरफ से पलट कर दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हमारे स्प्रिंग रोल अच्छे से गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हैं। अब हम इसे पैन में से निकाल लेंगे। इसे अपनी मनचाही शेप में कट कर लेंगे। अब हम इसे अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ सर्व करेंगे। हम बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे इसे खूब पसंद करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पिकल चिकल बाय अक्षरा रति को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। Thanks for watching.